आपको मालूम है कि यहाँ चुनाव नहीं हो लोकल बॉडीज का, या बहुत प्रयास हुई, या के जो दो बड़े लोकल पार्टीज है दोनों ने यहाँ श्रीनगर में भी दिल्ली में भी इस चुनाव को नहीं होने देने के लिए पर्याप्त दबाव डाला हुआ था। फिर जब हमने आग्रह किया कि इस राज्य में गांव-गांव के अंदर भी नेता को खड़ा होकर अपने गांव का, अपने वार्ड का विकास के लिए कुछ काम करने का मौका हमको देना है, जो पूरे देश में हर गांव में हर वार्ड में बाकी देश के अंदर उपलब्ध है, वो कश्मीर के अंदर जम्मू के अंदर क्यों नहीं होना है, वो होना चाहिए, ये आग्रह जब हमने किया था तब प्रशासन ने निर्णय किया कि हम चुनाव को जरूर आगे बढ़ाएंगे। फिर यहाँ के रीजनल पार्टियां और एक दूसरा एक तरीका निकाला, उन्होंने कहा कि ऐसा करो लोकल बॉडीज को भी नॉन पार्टी पर करो। हमने आग्रह किया कि जो डरते हैं या जिनको डेमोक्रेसी पर विश्वास नहीं है, ऐसे दल भले ही चुनाव में ना आए, पर जो कानून कहता है, यहाँ का जो रूल है, यहाँ का जो लॉ है, उसके मुताबिक ही यहाँ का चुनाव होना चाहिए। भारत सरकार का और राज्य प्रशासन का मकसद एक ही है कि जो विकास का कार्य हमारा सरकार करना चाहता है वह सीधा गांव-गांव के अंदर वहां के स्थानीय लोगों के हाथ में दिया जाए। आज इतने लोग चुनकर आए हैं, याद रखना अब आपके हाथ में आपके वार्ड का, आपके म्युनिसिपल बॉडी का डेवलपमेंट का केवल जिम्मा नहीं कह रहा हूं, अधिकार आपको मिलने वाला है, अधिकार आपको मिलेगा, राइट मिलेगा, पावर मिलेगा। और याद रखना डेमोक्रेसी में पावर या राइट अधिकार क्या होता है, एक ही होता है कि हमारे डेवलपमेंट के लिए जो धन हो, अन्य व्यवस्था हो, पैसा हो, अन्य व्यवस्था हो, वो हमारे पास होना चाहिए। और हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि जो इलेक्टेड बॉडीज पूरे जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर अब बने हैं लोकल बॉडीज, उनको सीधा फंडिंग किया जाए, उस फंडिंग को इस्तेमाल करके वहाँ लोकल डेवलपमेंट एक्टिविटी, कुछ स्कूल बिल्डिंग को रिपेयर करना है, सड़क रिपेयर करना है, ड्रेनेज ठीक करना है, ड्रिंकिंग वाटर देना है, ये सारा काम हम खुद कर सके। अब आगे एमएलए पर यहाँ श्रीनगर में या जम्मू में प्रशासन पर रोज निर्भर होने की नौबत नहीं आए, मिलकर आने वाले दिनों में ये डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ाना चाहिए। हमें इस बात की प्रसन्नता है, क्यों प्रधानमंत्री जी इतने प्रसन्न थे हमको बताया कि नहीं, अब इस विषय का सभी नेता उस दिन जो उपस्थित थे सबने कहा यह जो कश्मीर के अंदर जो जीत हासिल हुई यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस राज्य के अंदर आखिरी म्युनिसिपैलिटी में भी भारत का तिरंगा अच्छा गौरव के साथ आज फहराया जाएगा, क्योंकि आज बीजेपी के लोग इतनी जगह है। इसलिए सबने कहा इसका जानकारी पूरे देश को मिलना चाहिए, इतनी अच्छी जीत हुई है पूरी देश को मिलनी चाहिए। इस प्रकार हमने सोशल मीडिया वगैरह माध्यम से पूरे देश को जानकारी